फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपको बताया गया था। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार आप किसी चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा को ज्ञात करते हैं, ठीक है। अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक रखा गया है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक रखा हुआ है तो उस धारावाही चालक पर बल कार्य करता है, उस बल की दिशा को ज्ञात करना है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम काम में लाया जाता है। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास की दोनों अंगुलियों, इसमें एक तर्जनी है और दूसरी मध्यमा है, ठीक है, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार रखें कि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, मध्यमा अंगुली धारा की दिशा को बताए, ठीक है। तो अंगूठा चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा को बताएगा, ठीक है। ये नियम पहले पढ़ चुके हैं। इसी से संबंधित दूसरा नियम है, वो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दो नियम है, एक बाएं हाथ का नियम है और एक दाएं हाथ का नियम है। पहले तो आपको ये जानना है, दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा नियम किस चीज को ज्ञात करने के काम में लाया जाता है। जैसे हमने पहले बताया आपको कि बाएं हाथ का नियम जो है फ्लेमिंग के, वो चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा को ज्ञात करने के काम में लाया जाता है। यहां पर ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम है वह किसी धारावाही चालक में, ठीक है, आपको पता है कि जब किसी विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना में जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है तो एक विद्युत वाहक बल और एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। उस प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करनी है, ध्यान दीजिएगा, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करना है, तब उसके लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम काम में लाया जाता है, ठीक है। इसके लिए क्या है, यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास की दोनों अंगुलियों तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत, ठीक है, यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास की दोनों अंगुलियों तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार रखें कि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तर्जनी कहां हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तथा अंगूठा चालक के गत की दिशा को बताए, क्योंकि इसमें आपको बताया गया है कि प्रेरित धारा कब उत्पन्न होगी, जब चालक गति करेगा, चुंबक कुंडली के पास आएगा, कुंडली चुंबक के पास जाएगी, मतलब कुछ न कुछ गति अगर होगी तभी जो है वो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो अंगूठा चालक के गत की दिशा को बताए और तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, तब मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। एक बार फिर से जो है इसको हम रिपीट करते हैं, यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास की दोनों अंगुलियों तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार रखें कि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, अंगूठा चालक के गत की दिशा को बताए, तो प्रेरित धारा की दिशा जो है वो मध्यमा से प्रदर्शित होगी या मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी, ठीक है ना। तो ये जब भी आपके फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पूछा जाए, ठीक है, ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है, क्योंकि उसी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम में ही प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और उसी धारा की दिशा को व्यक्त करने के लिए ये काम में लाया जाता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है। अब हम कल के आगे वाले टॉपिक पे आते हैं, और कौन सी घटना है, दो मुख्य घटनाएं आपसे चर्चा हमने किया था, एक कहा था हमने स्वप्रेरण, है ना, दूसरा कहा था अन्योन्य प्रेरण, ठीक है। ये घटनाएं कौन सी हैं, इन घटनाओं के कौन से एग्जांपल है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो आपको समझना है अच्छी तरह से कि स्वप्रेरण है क्या, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं इसको, स्वप्रेरण। स्वप्रेरण घटना क्या है ये आपको समझना है।
ये हमारी ये कुंडली है, धारावाही कुंडली, यह एक धारावाही कुंडली है, यह रियोस्टेट है, इसको आप जान लीजिए। इससे क्या करते हैं, धारा के मान को घटाते बढ़ाते हैं, ठीक है ना, धारा के मान को घटाते बढ़ाते हैं। इसको ऐसे समझ लिया, ऐसे इसका मान है, ये ऐसे इस तरह समझ लीजिए, इसको रियोस्टेट बोलते हैं। ये धारा नियंत्रक है, धारा के मान घटाता बढ़ाता है। ये सेल आपका है या सेल कई सेल है तो बैटरी का रूप लेगा ये। इसमें धारा की दिशा जो है वो यही है, धारा इधर जा रही है ऐसे, ऊपर जा रही है ऐसे, ठीक है, फिर नीचे आ रही है यहाँ पे, फिर ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है, यही धारा की दिशा है। ऐसे ये धारा की दिशा है। तो अगर किसी कुंडली में धारा बह रही है, किसके द्वारा, ये सेल हमारा है, इस सेल के द्वारा धारा इस कुंडली में जा रही है, कुंडली में बह रही है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब इस कुंडली में धारा बहेगी तो इसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र यहां इसके आसपास उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न हो जाएगा यहां पे, तो इस कुंडली से बद्ध अपना एक चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा। फ्लक्स समझ रहे ना, आप जानते हैं कि जब किसी कुंडली में या किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तो वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के नियम से क्या नियम कहता है कि किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित करने से उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। तो अगर इस कुंडली में धारा बह रही है, रोटेट हो रही, बार बार चल रही है, हर कॉयल में, ठीक है, धारा का मान प्रवाहित हो रहा है, तो इसका मतलब कि इसके भी आसपास चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो यहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाएगा, उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए B है, ठीक है, इसकी तीव्रता क्या है, B है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र B हो गया, इसका मतलब इस चुंबकीय क्षेत्र का अपना एक चुंबकीय फ्लक्स होगा। चुंबकीय फ्लक्स का मतलब कि अगर उस चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी पृष्ठ, आयताकार पृष्ठ या वर्गाकार पृष्ठ रख दिया जाए, तो उस पृष्ठ से चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी, और किसी पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। इसका मतलब कि इस चुंबकीय क्षेत्र का अपना एक चुंबकीय फ्लक्स होगा। चुंबकीय फ्लक्स तो आपको अच्छे से बताया गया है, जिसका मान फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है। तो हर चुंबकीय क्षेत्र का अपना एक चुंबकीय फ्लक्स होता है, क्योंकि अगर चुंबकीय क्षेत्र में किसी वस्तु को रख दिया जाएगा, प्लेट को रख दिया जाएगा, तो उससे चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेगी, उन्हीं चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की जो माप होती है उसी को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो कहने का मतलब एक चुंबकीय फ्लक्स जो है यहां पे होगा इस चुंबकीय क्षेत्र का। अगर धारा नियंत्रक के माध्यम से हम धारा के मान को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, ठीक है ना, अगर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो क्या होगा, बढ़ाएंगे धारा के मान को तो विद्युत धारा प्रबल हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और धारा प्रबल हो जाएगी तो जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ था वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वैद्युत धारा के बढ़ने से या घटने से चुंबकीय क्षेत्र जो उसके आसपास उत्पन्न हुआ है उसकी प्रबलता में अंतर पड़ जाता है। तो धारा के मान बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी तो जो चुंबकीय फ्लक्स है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, जब बी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो फाई की वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स बढ़ गया। तो धारा के बढ़ने पर चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ जाता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ जाता है, और जब चुंबकीय फ्लक्स बढ़ गया तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन इसका मतलब हो गया। तो फैराडे ने क्या कहा था कि जब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। फैराडे ने कहा था कि जब भी चुंबकीय फ्लक्स में किसी कुंडली से बद्ध या किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा
तो वहां पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो यहां भी एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है ना। अब लेंज के नियम में क्या है, फराडे ने दूसरे नियम में क्या था, क्या कहा था कि प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होगी जो उस कारण का विरोध करेगी जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई थी या होती है। तो धारा के बढ़ाने से ही तो उत्पन्न हुई थी वो, तो धारा के बढ़ाने का विरोध करेगी, तो जो मूल धारा हमारी है अगर वो इधर की तरफ आगे की तरफ बढ़ रही है तो प्रेरित धारा की जो दिशा है वह इधर की तरफ हो जाएगी। यही जो है प्रेरित धारा की दिशा हो जाएगी, क्योंकि ये मूल धारा के मान को कम करने का प्रयास करेगी। मूल धारा हम बढ़ा रहे हैं तो वह कम करने का प्रयास करेगी, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम धारा के मान को कम कर देते हैं, अर्थात जो धारा इसमें पहले से बह रही है उस धारा की वैल्यू को कम कर देते हैं, धारा के मान को कम कर देंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी, माफ कीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कम हो जाएगी, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी तो चुंबकीय फ्लक्स का मान कम हो जाएगा, क्योंकि बी की वैल्यू कम तो फाइव इक्वल टू बी ए कॉस थीटा से फाइव की वैल्यू कम, और जब चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, तो फ्लक्स परिवर्तन फिर हो गया, इसका मतलब भले ही घट रहा है परिवर्तन तो हो रहा है, जब चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तित हो जाएगा तब इसका मतलब फिर से धारा उत्पन्न होगी, और धारा उत्पन्न होगी तो अब वह उस कारण का विरोध करेगी जिससे वह उत्पन्न हुई थी। आप धारा के मान को कम कर रहे हैं तो वह बढ़ाने का प्रयास करेगी, करने का मतलब अब धारा की दिशा इधर हो जाएगी, धारा की दिशा जो है अब इधर हो जाएगी, कम करने का प्रयास करेगी तो बढ़ाने का प्रयास करेगी, घटाने और बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो कम करने का प्रयास करेगी। तो यह घटना क्या है कि एक ही कुंडली में हो रही, कोई अलग से कुंडली नहीं है, किसी और कुंडली कोई प्रभाव नहीं कि कोई कुंडली दूसरी है उसमें धारा के मान को हम घटा बढ़ा रहे हैं तो यहां पर प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि जिस कुंडली में धारा पहले से बह रही थी उसी कुंडली में धारा के मान घटाने बढ़ाने से उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, इसलिए यह घटना कहलाती है स्वप्रेरण। कौन सी घटना है, स्वप्रेरण है या सेल्फ इंडक्शन है, कहने का मतलब स्वप्रेरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना है। अब नोट कर सकते हैं परिभाषा, इसकी आप नोट कीजिए परिभाषा है, देखिए स्वप्रेरण की, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की उस घटना को, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की उस घटना को जिसमें जिसमें कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग को विद्युत धारा के मान को परिवर्तित करने पर उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, कामा स्वप्रेरण कहलाता है। ठीक है, स्वप्रेरण कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम आते हैं घटना क्या स्वप्रेरण का, समझ गए होंगे कि एक ही कुंडली है, उस कुंडली में धारा का मान चल रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है, धारा के मान को परिवर्तित कर देंगे, घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी जो कि मूल वाली धारा का विरोध करेगी। मूल धारा को आपने बढ़ाया है तो कम करने का प्रयास करेगी, घटाया है तो बढ़ाने का प्रयास करेगी। यह जो घटना है, क्योंकि यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है, इस घटना को हम कहते हैं स्वप्रेरण। ठीक है, अब स्वप्रेरण गुणांक क्या है, स्वप्रेरण गुणांक या इसको हम स्वप्रेरकत्व भी कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व क्या है,
है ना। स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व क्या है, ध्यान दीजिएगा, कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। किसी भी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स अगर फाई भी है, फाई भी क्या है, किसी कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे थे तो इस कुंडली से बद्ध अपना एक चुंबकीय फ्लक्स इसका रहा होगा, वही फाई भी है। इसी में आपने अगर यन से गुणा कर दिया कुंडली में फेरों की संख्या से, तो यन फाई भी जो होगा इसको आप कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। इसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। अगर चुंबकीय फ्लक्स की का मान फाई भी है और कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल यन है तो यन फाई भी को हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। और अगर किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या ज्यादा है, ठीक है, तो उस कुंडली में उत्पन्न होने वाले प्रेरित धारा का मान ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब कुंडली में अगर फाई बी का मान कम है, फाई बी का मान कम होने क्या मतलब है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम है ना, कुंडली में फेरों की संख्या कम है, कहने का मतलब फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कम है अगर, तो धारा उसमें जो उत्पन्न होगी प्रेरित धारा बहुत क्षीण धारा उत्पन्न होगी। और अगर बहुत सारे फेरे हैं उसमें और चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा है अर्थात धारा ज्यादा बह रही होगी तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा उत्पन्न हुआ होगा तो फ्लक्स का मान ज्यादा रहा होगा। अगर ये ज्यादा मान है तो जो धारा उत्पन्न होगी प्रेरित धारा वो ज्यादा उत्पन्न होगी। तो किसी कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या उसमें उत्पन्न होने वाले प्रेरित धारा के अनुपमानुपाती होती है। इसे क्लियर हो गया होगा आपको, एन फाइव बी प्रोपोर्शनल टू आई। अगर इसको हम हटाएं यहां से एन फाइव बी इक्वल टू करें तो यहां पर एक कांस्टेंट आपको मिलता है यल, उसको लिखते हैं और इस यल को हम कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कहते हैं इसको। यल इक्वल टू क्या है, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। अगर हम स्वप्रेरण गुणांक को या स्वप्रेरकत्व को परिभाषित करना चाहें तो n इक्वल टू हो जाएगा n फाइ बी अपान आई, n इक्वल टू हो जाएगा n फाइ बी अपान आई। अब इस आधार पर हम स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व की परिभाषा भी दे सकते हैं। परिभाषा नोट कर लीजिए, इसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक यहां पे आप आई इक्वल टू लिख लेंगे एक एम्पियर। परिभाषा पहले आप नोट कर लीजिए, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व उस कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, उस कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है जबकि कुंडली में एकांत धारा प्रवाहित हो रही हो, जबकि कुंडली में एकांत धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक है ना, I इक्वल टू एक एम्पियर कर दिया गया, L इक्वल टू हो जाएगा यंग फाइव भी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होगा जब कुंडली में एकांत धारा प्रवाहित हो रही हो। एक और तरह से हम स्वप्रेरण गुणांक को या स्वप्रेरकत्व को परिभाषित करेंगे, ध्यान दीजिएगा, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व को हम परिभाषित करेंगे एक और विधि से। देखिए,
फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रथम नियम से हम जानते हैं, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रथम नियम जो है उससे जानते हैं कि उत्पन्न होने वाला जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ठीक है ना, वो किसके बराबर होता है, स्मॉल E बराबर माइनस N डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। कहने का मतलब यह हुआ कि उत्पन्न होने विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वह विद्युत वाहक बल किसके बराबर, किसके इक्वल होता है, फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अगर उस कुंडली में फेरों की संख्या n है तो E का मान माइनस n डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी के बराबर होता है। यह आपको पहले बताया गया है, जो आप न पढ़े हो न समझे हो उसको आप पहले वाला वीडियो पढ़ करके उसको समझ सकते हैं। यहां से E इक्वल टू हो जाएगा माइनस n को अंदर कर देते हैं हम, हो जाएगा डेल्टा n फाइव बी अपॉन डेल्टा टी, यानी अचर संख्या है ये, अधिक संख्या है, इसको अंदर कर सकते हैं। तो जो n डेल्टा फाइव बी था वो डेल्टा n फाइव बी अपॉन डेल्टा टी हो गया, या इसको ऐसे कर सकते हैं E बराबर माइनस डेल्टा। अब देखिए अभी थोड़ी देर पहले, अभी इसके पहले हम डिफाइन कर रहे थे तो हमने बताया था कि n फाइव बी की वैल्यू l i के इक्वल है, वहां हमने कहा था कि चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या उस कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुपातानुपाती होती है, l फाइव बी प्रोपोर्शनल टू i या l फाइव बी इक्वल टू l i, ऐसा कहा था ना। तो अब यहां से l फाइव बी की जो वैल्यू l i है वो उठा करके यहां रख देंगे तो डेल्टा यहां हो जाएगा l i अपान यहां हो जाएगा डेल्टा टी, ऐसे हो जाएगा। या इसी को हम लिख सकते हैं माइनस l को बाहर ले ले रहे हैं, डेल्टा आई आ जाएगा, डेल्टा आई अपान यहां हो जाएगा डेल्टा टी। तो E की वैल्यू क्या हो गई, माइनस एल डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। अब अगर L की परिभाषा आपको देनी है ऐसे कर सकते हैं L इक्वल टू माइनस E अपान डेल्टा आई डिवाइड बाय डेल्टा टी, ऐसे कर सकते हैं, डेल्टा L बराबर माइनस E अपान डेल्टा आई डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो कहने का मतलब कि इसको आप पहले ऐसे बॉक्स में कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। देखिए अब स्वप्रेरण गुणांक L, या इसी को हम स्वप्रेरकत्व भी कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व जो L हमारा है, ठीक है, यह क्या है, स्मॉल E के बराबर होगा, अर्थात उत्पन्न होने वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। कब, जब डेल्टा आई अपान डेल्टा टी की वैल्यू एक हो जाए, अगर ये राशि आपकी एक हो जाए, ठीक है, इसका मतलब धारा परिवर्तन की दर, कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो जाए, भाई कुंडली में धारा आप परिवर्तित कर रहे हैं तभी तो स्वप्रेरण घटना हो रही है। स्वप्रेरण घटना कब होगी, जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान को परिवर्तित कर रहे हैं आप, तो धारा के परिवर्तन की दर, जैसे आपने एक एम्पियर धारा एक सेकंड में परिवर्तित कर दिया, या दो सेकंड का टाइम आपने लिया, दो सेकंड में धारा के मान को दो एम्पियर बढ़ा दिया या दो एम्पियर घटा दिया, मतलब आपने दो एम्पियर का परिवर्तन किया दो सेकंड में, तो दो बटे दो एक आ जाएगा, मतलब धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। अगर धारा परिवर्तन की दर एकांक हो जाए, अर्थात डेल्टा आई अपान डेल्टा टी का मान एक हो जाए, तब उस अवस्था में यल जो है स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व जो है वह उस कुंडली में उत्पन्न होने वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, संख्यात्मक रूप से माइनस को छोड़ दिया जाए तो हम कहेंगे इसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा जो उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है, ठीक है, फिर समझिए, इसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व उस कुंडली में संख्यात्मक रूप से उस कुंडली में उत्पन्न
प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, ठीक है, जो कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। अर्थात धारा परिवर्तन की दर एकांक अगर हो जाए, जितने एम्पियर धारा परिवर्तित हो रही हो उतने सेकंड का टाइम भी हो, तो धारा परिवर्तन दर एकांक हो जाएगी, तब उस अवस्था में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, माइनस को छोड़ दिया जाए, संख्यात्मक रूप उसका लिया जाए अगर, तो उसी को हम स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहेंगे। तो आप नोट कर सकते हैं इसको, लिख लीजिए, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से कुंडली में उत्पन्न उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। तो आप यहां से स्वप्रेरण घटना समझ गए होंगे, स्वप्रेरकत्व क्या है ये भी जान गए होंगे। अब इसके जो उपयोग है, ठीक है, इसकी सहायता से हम, ठीक है, किसी समतल कुंडली का, वृत्ताकार कोई कुंडली है तो उसका स्वप्रेरकत्व कैसे ज्ञात करेंगे, या लंबी धारावाही परिणालिका है तो उसका स्वप्रेरकत्व कितना होगा या स्वप्रेरण गुणांक कितना होगा, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है।